नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने जा रही है। आपको बता दें कि इस बार अनंत सिंह पर एक व्यक्ति के खिलाफ गोलीबारी करने के साजिश का आरोप लगाया गया है, और इतना ही नहीं पुलिस ने 14 लोगों पर FIR भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस वक्त अनंत सिंह AK-47 मामले में जेल में है, लेकिन इस सबके बीच मुश्किलें अनंत सिंह की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है हमारे पास, आपको पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ही हिंसा और हत्या जैसी वारदात शुरू हो चुकी है। पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इसके संकेत दिए हैं। बीते 7 अगस्त को बाढ़ अनुमंडल के भदौर थाना का बकमा गांव सुबह सुबह गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद एक कुख्यात अपराधी रघुनाथ को 16 गोलियां मारकर आराम से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने की तैयारी इतनी तगड़ी थी कि ताल का कुख्यात कहा जाने वाला रघुनाथ को भी इसकी भनक नहीं लगी। रघुनाथ को ताबड़तोड़ 16 गोलियां मारी गई, लेकिन गनीमत यह रही कि सभी गोलियां पैर या हाथ में लगी, जिससे वह जिंदा बच गया। पटना में पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। घायल रघुनाथ को जब बाढ़ के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया गया, तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगा है। साथ ही विधायक के कई नजदीकियों के नाम भी बताए जा रहे हैं, जिसमें उसे गोली मारी है। हालांकि इस घटना से काफी पहले ही विधायक अनंत सिंह AK-47 मामले में जेल में बंद है। इलाज के दौरान घायल रघुनाथ ने हमले की साजिश का आरोप विधायक अनंत सिंह पर लगाया है। हमलावरों में छोटन सिंह, बिल्लू सिंह, कुंदन सिंह, रंजन सिंह, दीपक, माया शंकर पांडे, अमित, बिंटू, रंजन के अलावा जहानाबाद के मुन्ना सिंह का नाम भी सामने आया है। साथ ही इस घटना का कारण पंचायत चुनाव बताया जा रहा है। पटना से सटे इलाके में हुई गोलीबारी की इस घटना के बाद पुलिस काफी चका चौबंद है। भदौर थाना के बकमा में SDPO पूरे दलबल के साथ कैंप कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा पुलिस को भी है कि अभी मामला शांत नहीं हुआ है। वर्चस्व की लड़ाई अभी और खून बहने की आशंका है। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी अनंत सिंह के घर पर AK-47 और साथ ही साथ बम रखने की खबर सामने आई थी। हालांकि कुछ दिनों तक अनंत सिंह पुलिस से भागते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, अनंत सिंह का खौफ मोकामा में इतना ज्यादा है कि लोग उन्हें छोटे सरकार कहते हैं। लेकिन इस सबके बीच मुश्किलें अब अनंत सिंह की बढ़ने जा रही है, क्योंकि रघुनाथ नाम के युवक ने इस बार अनंत सिंह पर आरोप लगाया है। जो गोलियां उसे लगी उसको लेकर अनंत सिंह पर यह आरोप लगाया है कि इसकी साजिश अनंत सिंह की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि अभी भी अनंत सिंह जेल में है, लेकिन इस सबके बीच अब देखना होगा कि अनंत सिंह की मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।